तो गाइस देखिए हमारा आ चुका। हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड हैप्पी मकर संक्रांति। तो गाइस आज सुबह सुबह के बज रहे अभी 7 और अभी जस्ट सो के उठो। मैं भाभी तो बहुत पहले उठ गई थी आज, क्योंकि जैसा कि आप लोगों कल बताया था मैंने कि मकर संक्रांति के लिए भाभी को सुबह उठ के सब कुछ बनाना था, तो वो भाभी सब कुछ बनाने में बिजी है और हम लोगों को गाइस ऑफिस जाना है। तो आज ऑफिस की छुट्टी है नहीं मकर संक्रांति की, तो इसलिए भाभी को सुबह जल्दी उठना पड़ा। तो अभी गाइस उठते ही मोटर सबसे पहले चालू किया मैंने, क्योंकि गर्म गर्म पानी थोड़ा सा आएगा तो फटाफट से स्नान वगैरह कर लेंगे, क्योंकि सुबह सुबह आज स्नान करना पड़ेगा। क्योंकि स्नान करने के बाद ही कुछ खा सकते हैं, क्योंकि आज के दिन में मतलब हमारे फैमिली में अधिकतर लोगों का मानना है ये कि आज सुबह सुबह स्नान करके ही कोई काम करना चाहिए। मतलब ठंड से आवाज़ ही मेरा अजीब सा हो गया। तो गाइस अभी मैंने पानी भी देखिए थोड़ा सा गर्म होने के लिए लगाया, क्योंकि नल से पानी थोड़ा बहुत ही गर्म आएगा लेकिन ठंडा तो रहता ही। बाहर ठंड बहुत ज़्यादा है गाइस, आज अभी तक अंधेरा ही है, सुबह के 7 बज चुके हैं लेकिन बाहर अभी तक अंधेरा। तो चलिए देखते हैं भाभी अभी किचन में क्या कर रही हैं। तो ये देखिए गाइस भाभी अभी सब्जी की तैयारी कर रही हैं, यही सब कुछ फ्राई करके रखा है भाभी जी ने, गोभी आलू इधर टमाटर वगैरह फ्राई हो रहा है अभी, सब कुछ बना रही है। तो भाभी कितने बजे उठे हैं? भाभी बहुत जल्दी उठे हैं आज, और ठंड बाहर का मौसम दिखाऊंगा गाइस तो आप बोलेंगे बिलीव नहीं करोगे कि अभी इतना टाइम हुआ है। तो चलिए भाभी को बनाने देते हैं और अभी। तो ये देखिए गाइस सुबह के 7 बज रहे हैं, बालकनी से मैं आपको दिखा रहा हूँ, फिर भी बाहर कैसा अंधेरा है, अभी साफ मौसम नहीं हुआ है और ठंड काफ़ी ज़्यादा है गाइस। देखिए तो चलिए मोटर चला दी है मैंने, ठंड भाई सब गजब लग रहा है। तो गाइस मैं भी स्नान करके आ गया हूँ, बहुत भयानक ठंड है। और देखिए भाभी उधर पूजा कर रही हैं और यहाँ पे कुछ अनाज रखा हुआ है गाइस, जो कि अभी आज के दिन छूना चाहिए। ये अनाज फिर पंडित जी को जाएगा, क्योंकि गाइस आज सूर्यदेव मकर राशि में जाते हैं, तो इसलिए आज थोड़ा सा मान्यता है कुछ कुछ लोगों का, तो इसलिए कुछ कुछ रस्में या रीति रिवाज है वो करनी पड़ती है गाइस। तो चलिए आपको दिखाते हैं अभी। और वैसे भी आज के दिन दान पुण्य करना चाहिए, क्योंकि सही होता है, पंडित जी को दीजिए या आप किसी भी ऐसे लोगों ज़रूरतमंद को दीजिए जिसको ज़रूरत है इन सब चीज़ों की। तो और एक चीज़ होता है गाइस कि आज त्यौहार का दिन है, तो सारी जो त्यौहार में यूज होने वाली चीज़ें होती है खाने पीने वाली वो चीज़ें, तो कुछ ज़रूरतमंद को दे भी दीजिएगा तो उसका भी त्यौहार अच्छे से मन जाता है। तो इसीलिए ये सब चीज़ें रखी गई है। तो चलिए आपको दिखाते हैं क्या क्या है। ये देखिए गाइस यहाँ भाभी जी ने सारी चीज़ें रखी है, जो अनाज है साथ में तिल का लाई वाई ये सब कुछ है, जो कि आज ही जो था। तो ये सब छूना है कि किसी गरीब को चला जाए, तो पैसे वैसे सब कुछ रखे हुए गाइस। तो चलिए भगवान का नाम लेके छू दिए। चलिए गाइस फटाफट से कपड़े पहनते हैं और फिर ऊपर चलेंगे सूर्य देव को जल देने के लिए। आदि अभी जस्ट जल दे के आए हैं, तो मैं भी चलता हूँ कपड़े और पहन लेते हैं, फिर चलते हैं जल दे के आते भगवान। अभी मैं सूर्य देव को जल वगैरह दे के आराम से आ गया हूँ छत से अभी, और आज गाइस देना भी चाहिए। और फिर आगे मैंने मंदिर में पूजा हो जाएगी भगवान की, और अब जा रहे गाइस सुबह का ब्रेकफास्ट करने के लिए, क्योंकि आज मकर संक्रांति है। तो मकर संक्रांति का दूसरा नाम हमारे गांव में चूड़ा दही भी बोलते हैं, क्योंकि तो साल में आज के दिन चूड़ा दही तो खाना ही खाना चाहिए। तो फिलहाल देखिए आदि हम लोग का चूड़ा भी सर्व कर रहे हैं, बाकी आपको दिखाता हूँ कि अभी आज हम लोग क्या क्या हम लोग को मिलने वाला है आज मकर संक्रांति को लेकर। लेकिन आज ज़्यादा टाइम भी नहीं बचा, मुश्किल से 5 से 10 मिनट टाइम बचा हम लोग ऑफिस जाने में, तो फटाफट से हम लोगों को खाना खाना पड़ेगा। तो चलिए मैंने अभी वैसे वैसे टी शर्ट ही पहन रखा, तो फटाफट से कुछ कपड़े वपड़े डालते, ठंड लग रहा है गाइस, क्योंकि सुबह सुबह स्नान किया, वैसे गर्म पानी से स्नान करने का मज़ा ही कुछ और है गाइस। तो चलिए फटाफट सब सुबह का ब्रेकफास्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं क्या क्या है ब्रेकफास्ट में। तो ये देखिए गाइस ये आदि चूड़ा सर्व कर चुके हैं, चूड़ा में दही और चीनी डाले, और ये गाइस साथ में रखा हुआ है तिलकुट टाइप से जो कल हम लोग लेके आए थे। ये है तिलकुट थोड़ा टाइट रहता है ना, इसलिए तिलकुट नहीं हुआ। इधर देखिए भैया भाभी की हेल्प करा रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम बचा नहीं हम लोग ऑफिस जाने में, तो भैया देखिए पूरी तलवा दे रहे हैं भाभी के साथ, और भाभी यहाँ बेल रही है, बाकी सब्जी वब्जी तो सब कुछ बन गया गाइस। तो चलिए भाभी लोग को बनाने देते हैं, तब तक फटाफट से अपना सुबह का ब्रेकफास्ट करते हैं।
तो गाइस देखिए हमारा आ चुका है सुबह का ब्रेकफास्ट। तो इसमें देखिए ये तिलकुट, तिल का लाई और ये चूड़ा दही और साथ में सब्जी आलू गोभी टमाटर वगैरह का। तो चलिए टॉट से खाते आ रहे, उनको तेंत की तरफ धड़ाधड़ खाए जा रहे हैं। तो गाइस हमारे पास टाइम भी ज़्यादा बचा नहीं है, क्योंकि देखिए टाइम कितना फटाफट से खा के निकलते हैं। पिछली गाइस हम लोग आ चुके हैं रोड पर अब, और हमारी बस भी आ चुकी है गाइस। चलिए फटाफट से चलते हैं, बैठते हैं बस में। That body, let me see you just do it to the fullest extent.